इस बार दी गर्मी ने कहंदे सब दे वट कढ दित्ते आ, इन्नी गर्मी है कि बाहर निकलना औखा हो गया। हालांकि कमां कारां ते जाना है तो बाहर निकलना पैना है, पर ऐसे हालात ने कि बच्चों बजुर्गों के लिए वड्डी समस्या का सामना करना पै रहा। चलो तापमान वध्या, गर्मी पै रही है, पर सब दे ज़हन दे विच इह है कि यह गर्मी कदों तक पेगी, थोड़ी बहुती राहत कदों मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि जो थोड़ा जा कि चंगा सुनेहा मिल जाए तो आसरा जरूर हो जाता है कि चलो यार एक दो दिन रह गए कढ लांगे। किन्ने दिन होर इस गर्मी नूं बर्दाश्त करना पैना तो कदों राहत मिलेगी? साढ़े नाल एके सिंह जी ने, मौसम विज्ञानी ने और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुखी ने, जिन्हां दी जिम्मेवारी है ये पता लाउण दी ते ये दसण दी कि आखिर हुण मौसम दे विच की चल रहा। सिंह साहब, सब तो पहला आसान भाषा च, क्योंकि लोगों का पहला ही सवाल है, ये गर्मी कदों तक किदां सांस उतूगी? देखिए, आज तो ये गर्मी कायम रहेगी, लेकिन खुशखबरी है कि कल से इसमें राहत मिलने वाली है। अभी ऑलरेडी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की कल इवनिंग में एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि आज जो है लाइट टू मॉडरेट रेन जो है आपको पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ पार्ट्स में आपको होने वाला है। थंडर और लाइटनिंग की भी आपको घटना हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको हवाएं भी चल सकती है, गस्ती विंड्स भी आपको चल सकती है। तो आज तो हीट वेव का ट्रेंड आपको कंटिन्यू रहेगा। आज ऑलरेडी हमने हीट वेव को लेकर और सीवियर हीट वेव को लेकर ऑरेंज वार्निंग दी हुई है, लेकिन अभी जो ये बारिश होने वाली है इसके चलते आपको कल इसमें बहुत ही अच्छी कमी आ जाएगी और कल और परसों जनता को इसमें आपको राहत मिलने वाली है। हम कल भी आपको बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थंडर लाइटनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही ये भी गस्ती विंड्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, परसों भी थोड़ी बहुत आपको हम बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन दिन जो है आपको हम ये मानकर चलते हैं, आज तो गर्मी कायम है लेकिन कल इसमें राहत मिलेगी, परसों भी इसमें राहत मिलेगी, लेकिन फिर उसके बाद आपको ड्राई स्पेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी आपको गर्मी आपको बढ़ सकती है। अच्छा, एक चीज समझाया जी, ये जो बारिश की थोड़ी चंगी खबर दे रहे हो, ये हल्की बारिश है या तेज बारिश पै सकती है? कल सवेर तो स्टार्ट हो सकती है या कल शाम तक? नहीं, ये एक्सपेक्टेशन है कि आज आपको शाम से ये बारिश जो है स्टार्ट हो जाएगी और ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते बारिश हो रही है, ये मॉनसून की बारिश नहीं है। तो ये आपको लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और आपको थंडर और लाइटनिंग की आपको घटना होने वाली है और ये आज और कल आपको कायम रहेगी, हेवी रेनफॉल आपको नहीं होने वाला है। अच्छा, कितने कितने बारिश की संभावना जी, किन्ने गिने चुने इलाकों में या पूरा पंजाब हरियाणा? नहीं, देखिए पंजाब के वो पार्ट आपको ज्यादा सेंसिटिव है इस लिहाज से जो आपकी पहाड़ों से सटे हुए हैं, जैसे गुरदासपुर हो गया, ये सब मतलब पठानकोट हो गया, वो सब आपको पार्ट ज्यादा आपको सेंसिटिव है, लेकिन थंडर और लाइटनिंग सब जगह एक्सपेक्टेड है, मतलब मेजर पार्ट में, जिसके चलते हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री तक डाउन जाएगा और ये जो है लोगों को दिन के समय में गर्मी से आपको राहत आपको जरूर मिलने वाली है। अच्छा जी, आप देसी तरीके समझिए, चंडीगढ़ उधर आप फिरोजपुर चले जाइए, बठिंडा चले जाइए, फरीदकोट चले जाइए, इधर पटियाला चले जाइए, अमृतसर चले जाइए, इन्हों के सारे एरिए थोड़ी थोड़ी बारिश, हल्की बारिश पै सकती है? हाँ, थोड़ी बहुत आपको सब जगह बारिश होने की संभावना है, थोड़ी बहुत। अच्छा, टेम्परेचर जिहड़ा जी हुण एक्चुअल टेम्परेचर, क्योंकि असली तो तुसी इत्थे कोख करदे हो, टॉप ते टेम्परेचर इस वारी किन्ना चला गया, अज कित्थे किते खड़ा और की अग्गे भी इन्ना टेम्परेचर चला जांदा, तापमान अग्गे भी इन्ना वध जांदा, जां क्योंकि कह दिंदे जी गर्मी दा रिकॉर्ड टुट गया जी, मतलब अक्सर असीं कह दिंदे आ, तां एक्चुअल स्थिति की है? देखिए, वास्तविकता अभी ये है, जो गर्मी का जो रियल फेज जो था, जब आपको टेम्परेचर आपको 46, 47, 48, 49, even 50 तक पहुंच गया था, वो आपको दौर जा चुका है, वो आपको दौर अभी मौजूद नहीं है। अब जो टेम्परेचर जो है यूजुअली आपको 45 आपको मैक्सिमम, 45 या 46 आपको मैक्सिमम जा रहा है और अभी जो सीवियर हीट वेव के कंडीशन या हीट वेव के कंडीशन ऑब्जर्व किए जा रहे हैं वो क्लाइमेटोलॉजिकली वो 4.5 डिग्री ज्यादा हो जाता है और 40 डिग्री से अप है टेम्परेचर, इसलिए सीवियर हीट और हीट वेव के केस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और साथ ही अभी हीट वेव के केस अभी थोड़े से ज्यादा मारक इसलिए रहे हैं कि रातें भी गर्म हो रही है, मतलब वार्म नाइट, मतलब कि रातों का भी टेम्परेचर जो है आपको मिनिमम टेम्परेचर जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर जो है उसे 4.5 डिग्री आपको ज्यादा है, बहुत सारे पार्ट में कहीं कहीं 6.5 डिग्री भी ज्यादा है, मतलब सीवियर वार्म नाइट के भी केस हो रहे हैं।
तो इसके चलते अभी गर्मी आपको बहुत ही ज्यादा मारक लग रही है, लेकिन वो स्टेज चला गया जबकि 47, 48 और पारा 50 तक कहीं कहीं पहुंच चुका था। टॉप ते गया सी, वो लंगा टाइम हुण कटन वाले पासे स्टार्ट हो जाएगा आज शाम को। हाँ, टॉप वाला बिल्कुल खत्म हो चुका है, जबकि हमने सिरसा में आपको 50.3 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऑब्जर्व किया था, बठिंडा में आपको कभी कभी 48 भी ऑब्जर्व किया गया था, पठानकोट में भी आपको 47.5 ऑब्जर्व किया गया था। वो टॉप टाइम जा चुका है, अब जो होगा ठीक है क्लाइमेटोलॉजिकली होगा, क्लाइमेटोलॉजिकली अपने नॉर्मल से वो 4.5 डिग्री आपको ज्यादा रहेगा, जिसके चलते हीट वेव के केसेस या फिर आपको सीवियर हीट वेव के केसेस ऑब्जर्व किए जाएंगे। अब वो जो बिल्कुल जो एक्सट्रीम जो था उसके अभी सीन नहीं है। अच्छा, एक चीज और समझाओ, जो आज शाम को क्या कि बारिश पै सकती, हल्की बारिश। हाँ। हल्की भी जदा किणमिण जी पैंदी है राहत मिल जाती है, ठंडी हवा हो जाएगी, रात का टेंपरेचर अज तो या कल तो घटना शुरू हो जाएगा। दूजा जिहड़ी 3 दिन बारिश पेगी उस तो बाद फिर अप डाउन चलता रहेगा या फिर रह रहे कि जिहड़ी बारिश होंदी रहेगी। सिंपल भाषा में जो बारिश होगी, जो थंडर और लाइटनिंग होगी, तो जब भी थंडर और लाइटनिंग होगी तो मेनली थंडर और लाइटनिंग के चलते क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो एनर्जी होता है थंडर और लाइटनिंग के रूप में आपको निकल जाता है। और जब भी आपको थंडर और लाइटनिंग के रूप में आपको निकल जाएगा तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर जो है आपको डाउन हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर आपको डाउन हो जाएगा। और कुछ जो होगा जो बारिश पड़ेगा उसके चलते आपको सर्फेस थोड़ा सा कूलिंग हो जाता है, लेकिन इसका मिनिमम टेम्परेचर पर आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रातें आपको थोड़ी सी गर्म आपको फील होगी। लेकिन जहां तक जैसे हमने बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल जो है हीट वेव के कंडीशंस ऑब्जर्व नहीं किया जाएंगे, परसों भी ऑब्जर्व नहीं किया जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से ड्राई स्पेल आ रहा है। तो जब ये ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर जो है फिर से थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, वो कितने दिन बाद फिर तो दिक्कत आ सकती है, यानी उन्हें एक बारी थोड़ी राहत मिल जाएगी उस तो बाद फिर वो कितने दिन की दिक्कत आ सकती है? देखिए, इसके एग्जैक्ट जो फिगर जो है, मतलब कि कितना आपको हीट वेव के कंडीशंस आएंगे या नहीं आएंगे, इसका स्टेटिस्टिक्स हम आपको कल ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है कि चौथे या आज से चौथे या पांचवें दिन थोड़ा सा टेम्परेचर अप हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेचर मतलब हीट वेव कंडीशंस जनरेट करेगा या नहीं करेगा ये हम अब आपको कल ही बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, मानसून जदों आता है तो उदो थोड़ी राहत मिलती है, वो मानसून कदों तक आने की उम्मीद है, आज तो कितने दिन बाद तुहानूं लगता है कि मानसून आ जाएगा फिर तो राहत शुरू हो जाएगी? हाँ, देखिए, इसका रियल राहत तभी मिलेगा जबकि मानसून आ जाएगा, जब मानसून की बारिश आ जाएगी तो ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक आपको डाउन हो जाएगा। जहां तक क्लाइमेटोलॉजी हमारी कहती है, उसके अनुसार यहाँ पर जो मॉनसून का एक्चुअल डेट है वो 27 जून है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून में मॉनसून की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। 27 जून हमारा डेट है, उसके दो दिन पहले, तीन दिन पहले या फिर दो दिन आपको बाद भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं उसके अनुसार हम ये मानकर चल रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पर मॉनसून की एंट्री जरूर हो जाएगी। अभी जो मॉनसून जो है आपको साउथ गुजरात के कुछ पार्ट्स में हिट कर चुका है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पर मॉनसून की एंट्री जरूर हो जाएगी। अच्छा, फिर तो बस पक्की 10 दिन की दिक्कत रहेगी, 10 दिन तो बाद मौसम फिर तो टेम्परेचर घटने वाले पास शुरू हो जाएगा, और मॉनसून जो एक बार आ गया तो फिर वो मॉनसून चलेगा कदों तक, कि इस बार मॉनसून अच्छा लग रहा है? देखिए, जहां तक मॉनसून का सवाल है, ये हमारा अभी उम्मीद हम जताकर चल रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून में उसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसा चीज है जिस पर आप बिल्कुल कॉन्क्रीट भाषा में आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी रीजन से कुछ एबनॉर्मल वेदर इवेंट हो सकता है तो मॉनसून थोड़ा डिले भी हो सकता है। अब भी हमारी उम्मीद है, क्योंकि वेदर में क्या, सपोज करिए कि मॉनसून अभी गुजरात के तट पर है, गुजरात के तट पर सपोज करिए कि अरबियन सी में कोई साइक्लोन जनरेट हो जाए, ये सब एबनॉर्मल वेदर घटनाएं हैं, तो मॉनसून जो है कुछ डिले भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो हमारी जो उम्मीद है उसके अनुसार हम ये मानकर चल रहे हैं सब कुछ फेवरेबल है, और ऐसा लग रहा है कि इस वीक मतलब कि इस मंथ के अंत तक यहाँ पर मॉनसून की एंट्री आपको जरूर हो जाएगी, हम ये मानकर चल रहे हैं। एक सवाल और बहुत जरूरी है, खास करके साडे लोगों के लिए, कि जिहड़ी ये हालत पैदा हुई है, टेम्परेचर इन्ना वधन लग गया, इस तरह ही डिस्टर्बेंस, इन्नी ज्यादा गर्मी, हीट वेव, इहदे लई जिम्मेवार कौन है, कारण की है, कि असी लोग ही जिम्मेवार हैं या एक्चुअल दिक्कत की है, समझनी चाहवांगे सन पाछे? देखिए, सिंपल भाषा में इसके लिए जिम्मेदार हम सभी लोग हैं, हम हैं, आप है, कॉमन जनता है, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने जो एटमोस्फेयर के साथ अब तक मजाक किया हुआ है, बिल्कुल मजाक बनाया हुआ है, उसी का रिपरकशन हमको हमारे पास आ रहा है, ये हीट वेव के रूप में ही नहीं। आप याद करिए इस साल की आपको कड़ाके की ठंड जनवरी की, आप भूले नहीं होंगे,
जो कोहरे की मार जो हमारे ऊपर पड़ी थी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पर, आप याद करिए इस साल फिर से टोर्नेडो जैसा वेदर इवेंट आपको इसमें आया था, फजिलका में, ये मालवारी जल में आया था। पिछले बार भी सेम फरवरी में आया था। आप याद करिए पिछले साल 8, 9, 10 जुलाई की बारिश। ये सब के सब एक्सट्रीम घटनाएं हैं, और ये एक्सट्रीम घटनाएं तभी होती है जबकि ग्लोबल वार्मिंग अपना असर आपको दिखाना शुरू करता है। इतना स्पष्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और एक्सट्रीम घटनाएं हो रही है, और उसके लिए जिम्मेदार हम और आप जैसे लोग हैं। हम लोगों ने वातावरण को इतना ग्रीन हाउस से आपको इतना ज्यादा इमिशन शुरू कर दिया है कि ऑटोमेटिक आपको वातावरण गर्म हो रहा है, और ये सब एक्सट्रीम इवेंट आपको लगातार नजर आ रहे हैं विभिन्न। असि केड़ी केड़ी गलती की थी, वो समझ नहीं जावांगे, दरख्तों नु लेके या एसी, असि किथे किथे गलत है, की कीता थी? हरेक लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा बोलूंगा, हरेक लोग पेड़ तो कट रहे हैं, और जब भी आपको डिफोरेस्टेशन होगा, जब सिविलाइजेशन जब बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, तो पेड़ तो कटेंगे, लेकिन एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, जितने काटे जा रहे हैं उतने लगाए नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि आपके भी घर में कूड़ा है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक सिंपल फिलोसफी है, कूड़ा को हम बाहर निकालेंगे, आग लगा देंगे, बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कूड़ा जलकर राख हो गया, कूड़ा बचा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कूड़े को आपने एटमोस्फेयर में ग्रीन हाउस के रूप में फेंक दिया है, और वही CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फेंक दिया है, और वही ये सब एक्सट्रीम वेदर के रूप में आपके पास वापस आ रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मतलब कि जितना भी हम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज्यादा करेंगे, उतना ही ज्यादा इफेक्ट, मतलब कि हम पर एडवर्स रूप में आपको वापस आना वाला है। हमको इसका सोल्यूशन खोजना है, और इसका सोल्यूशन मात्र एक ही ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को हम कम करें, जितना हो सकता है कम करें। और दूसरा बात, एफॉरेस्टेशन, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम पेड़ लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। तो मौसम विज्ञानी ने साफ तौर पर एक तो चेतावनी दी है, तो सानू सुनेहा दिता है कि जिम्मेवार असी खुद ही हैं जिहड़े अज साडे हालात बने ने। जे अज बाहर निकलना गर्मी के कारण साह लेना औखा हो रहा, तो उसकी जिम्मेवारी साडे ते बनती है, असी खुद ही जिम्मेवार हाँ। तो फिर खैर सानू बर्दाश्त भी करना पेगा तो भुगतना भी पेगा, क्योंकि दरख्त असी कित रह नहीं दिते। असी पिंडां च घरां दे विच दरख्तां दी छावें बैठते सी, पर हुण असी सुख नाल घरां दे पिंडां दे विच भी दरख्त नहीं छड्डे, क्योंकि असी तां पत्थर ला ले आ। तो जिम्मेवारी साड़ी है, भुगतना पेगा। हाँ, एक राहत की खबर जरूर दे रहे हैं कि अज शाम तो हल्की बारिश पंजाब हरियाणा दे विच शुरू हो सकती है, तो आने वाले 3-4 दिन तुहानू राहत मिलेगी, पर उस तो बाद फिर तो टैंपरेचर वधेगा। खैर हले मानसून जिहड़ा उहदे लई तुहानू 10 दिन होर उड़ीक करनी पेगी। जिहड़ा अज शाम तो कुछ राहत मिलन की उम्मीद है, तो आस करते हैं कि अज शाम तो थोड़ा जिहा सौखा आएगा। कैमरामैन सुखिंदर सिंह धालीवाल के नाल नपिंदर सिंह बराड़, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।